केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि शेर से नहीं लड़ सकती बकरी और भेड़। जाने क्या है पूरा मामला। उन्होंने सोमवार को कहा कि विरोधी दल केवल पीएम मोदी को हराने के बारे में सोचते हैं, लेकिन जंगल में भेड़ और बकरियां शेर से मुकाबला नहीं कर सकती। शिंदे ने कहा, भेड़ और बकरियां जंगल में शेर के खिलाफ लड़ने के लिए एक साथ नहीं आ सकती। शेर हमेशा शेर रहता है और वह जंगल पर राज करेगा। दरअसल शिंदे से राजग को चुनौती देने के लिए विपक्ष के एकजुट होने से जुड़ा सवाल पूछा गया था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के बारे में सोचता है, मुझे विपक्ष कहीं भी मुकाबले में खड़ा नजर नहीं आता। महाराष्ट्र में लोकसभा के लिए 48 सदस्य चुने जाते हैं। लोकसभा सदस्यों की संख्या के मामले में महाराष्ट्र का उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है। वहीं यूपी से संसद के निचले सदन के लिए 80 सदस्य चुने जाते हैं। शिंदे ने महाराष्ट्र में राजग की स्थिति के बारे में कहा, अजीत पवार के हमारे साथ जुड़ने का फैसला करने के बाद मेरी सरकार के पास 215 से अधिक विधायकों का समर्थन है, सरकार को कोई खतरा नहीं है। शिंदे ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का नाम लिए बगैर कहा, हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लोग फैसला करेंगे कि क्या वे ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहते हैं जो उनके लिए काम करता है, या वे ऐसे व्यक्ति का चयन करना चाहते हैं जो केवल घर में बैठा रहता है। विपक्षी खेमे के नेताओं को निशाना बनाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी का इस्तेमाल किए जाने के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर शिंदे ने कहा, ईडी उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करता है जिनके भ्रष्ट आचरण में शामिल होने का संदेह होता है, वह किसी को यूं ही परेशान नहीं करता। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।